मैं एक सीडी प्रस्तुत करने जा रही हूँ कथक के ऊपर, तो आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ जरूर भाई, जैसे मैंने तुमको तालीम दिया है और बहुत मन से सिखाया है और हर चीज़ की डिटेल को उंगलियों से लेके, कलाई से लेके, चेहरे से लेके, आँखों से लेकर, क्योंकि ये सब सामग्री जो है अगर इकट्ठी होकर और सही ढंग से इस्तेमाल हो तो कहते हैं नाच बहुत खूबसूरत है, और अगरचे वो सिंक्रोनाइज ना हो, आँख कहीं, हाथ कहीं, ये बॉडी कहीं, पैर कहीं, तो उसको कहते हैं कि वो शेप जो है जो बनना चाहिए, रूप बनना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी भी जब निशाना लगाता है तो कहते हैं एकाग्रता, जब किसी चो निशाना करता है, धनुष करता है, तो उसका सारा शरीर, सारा ध्यान, सारा दिमाग सब एक जगह होता है, तो कहते हैं कि अब निशाना मारो। उसी तरह ता थे जो भी एक्शन है उसको कहते हैं बिल्कुल उस जगह जहाँ पर गुरु ने आदेश दिया कि यहीं होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत सही ढंग से तुमको मैंने समझाया भी है और ऐसी उम्मीद भी है कि तुम और बच्चों को भी जो सिखा रहे हो उनको भी इसी प्रकार से शिक्षा दो, ताकि सही ढंग का कथक हो सके, सही ढंग से लोगों को समझा सकें। और कॉमर्शियल तो नहीं बनना चाहिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं मचाता हूँ कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे गुरु के आदेश हैं, हमको उसी प्रकार से समझना चाहिए और सिखाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत शुभकामना करता हूँ कि तुम्हारे वीडियो के ज़रिए जैसे भी तुम्हारा बनेगा उससे बच्चों को अच्छा असर पड़ेगा, ऐसी आशा है मुझे। As a student of Kathak, I have always felt the need to share my experience and learning with the lovers of this glorious dance form. With this presentation, I hope to fulfill the basic needs and queries which the dancers may have. I have tried to portray various steps, movements and my bhavanas in these compositions which we will see in this presentation. Which the beginners or the dancers may get as a useful tool in his or her training. I owe my entire training and experiences to my guru, Pandit Birju Maharaj ji, who has been gracious enough to bestow his kind blessings to this project. I also acknowledge my debt to Sri Bishu Roy, the proprietor of Bhavna Recording Company, who has guided the project to its conclusion. My sincere gratitude to my able students and my musicians, without whose cooperation this project would not have been possible. And last but not the least, to you for your patronage to this dance form. Thank you. I would like to say a few words about Kathak. There is a popular saying that Katha kahe so Kathak. One who tells a story is a Kathak, a storyteller. But the term Kathak assumes here the role of a dancer actor, one who dances and tells or enacts a story. The origin of this dance form dates back to the 17th century. When it was practiced in the temples. Much of the thematic content of Kathak was devotional, recounting episodes and moments from the great Hindu epics. As community of Kathakars or storytellers would go from town to town, temple to temple, reciting and dancing verses about the gods and goddesses, especially the divine Krishna and his beautiful Radha. In the course of time, this dance came to be known as Kathak. With the advent of Muslim rule, Kathak slowly moved from the temple to the court, acquiring new characteristics along the way. Its technique remained basically the same, but its theme and content altered. Kathak permits its performers scope to improvise and display intricate
क्राफ्ट्समैनशिप. इन कथक वी कैन सी द रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ द हिंदू टेम्पल एंड मुस्लिम कोर्ट रूम ट्रेडिशन वेयर बाय द सिंथेसिस ऑफ इंडियन कल्चर इज रिफ्लेक्टेड. लाइक अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स, कथक ऑल्सो हैज टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ नृत्य एंड नृत्य मीन्स अभिनय इन इट्स टेक्निक. नृत्य टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स मीन्स प्योर डांस. इट इज नॉट एन इंटरप्रिटेटिव और एक्सप्रेशनल डांस. अ कथक डांसर इन नृत्य सेक्शन मेनली डील्स विद डिवाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ टाइम बीट्स एंड वेरियस तालस आउट ऑफ व्हिच ही और शी सिलेक्ट्स अ फ्यू इन अ रिसाइटल. द रिदमिक कंपोजिशंस इन कथक आर कॉल्ड बोल्स. दिस बोल्स हैव डिफरेंट फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक आमद, ठाट, नटवरी टुकड़ा, परन, तोड़ा, कबित, प्रिमेलू, संगीत की टुकड़ा एक्सेट्रा. इन थाट द डांसर यूजेस जेंटल एंड डेलिकेट मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट एंड द नेक विथ आई ग्लांसेस इन मोस्ट इफेक्टिव एंड अरेस्टिंग मैनर. थाट इन जनरल मीन्स डेकोरेशन और अ ग्रेसफुल एटीट्यूड. इट इज सेड दैट थ्रू आमद the dancer used to make entry on the stage and used to perform salami as a mark of greetings. Amad means arrival. After Amad, the dancer creates a series of dance patterns with the toras, tukras and the parans. In a tora, the dancer performs to the compositions of the time beats in rhythmic cycle arriving on the sum. The dancer executes the toras with footwork and body movements. The chakkars or the spins, which are like pirouettes, are also executed on a central vertical axis in rapid succession of three or its multiples. A small tora is known as tukra. A variety of compositions played exclusively on pakhavaj are called parans. They are often danced with forceful and vigorous movements. For an example, dhage te te dhage te te dhage te te dhage te te kridha te te dhage te te gadi ghene nage te te dhe tage ne dhe tage ne dhe ta kire dhe ta gadi ghene ta dhe dhe ta. This calls parans. The bowls of a variety percussion instruments is called parmelu. It consists of sound syllables of instruments like nagara, pakhavaj, jhaanj, manjira, tasha, daf and the natavari bowls. Tak, 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 tak
Na, din, na, din.
Get it out.
Thank you.